Next question. Hello Sandeep sir, first of all thank you for all this you are doing. Sir, life में कभी एक situation आती है जब हम बहुत over enthusiastic होते हैं और उस समय किसी की नहीं सुनते हैं. वो life में दूसरी situation आती है जब बहुत depressed होते हैं और हर की हर बंदे की सुननी पड़ती है और अपने आप को अपन ignore कर मतलब underestimate करने लग जाते हैं. तो सर दोनों situation को कैसे handle करना चाहिए, मतलब अगर over enthusiastic तो बहुत बढ़िया. देखो लाइफ इज ऑल अबाउट पीस. आप ये मत समझो कि लाइफ हमेशा ऐसे चलेगी. चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपके पास कितना भी कुछ है, प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है. मेरे साथ भी कई बार होता है कि मैं बिल्कुल ही मतलब एक डिप्रेस स्टेट में चला जाता हूँ. डिप्रेस स्टेट क्या बोलेंगे उसको, मतलब नेगेटिव एनर्जीज कहीं से शुरू होती है और मुझे पता भी नहीं होता वो कब ओवर पावर कर जाती है इतना कुछ करने के बाद भी. तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही ऐसा होता है, जैसे ही मुझे लगता है कि नहीं यार कुछ गड़बड़ हो रहा है लाइफ में, ना मजा नहीं आ रहा, तो मैं बुक्स पकड़ लेता हूँ, एक दिन का ब्रेक लेता हूँ, शांति से जाकर के बंक मारता हूँ अपने ऑफिस से, जाकर के किसी पार्क में बैठ बेंच पे और बैठ के उस बुक को पढ़ लेता हूँ. अगले दिन तक वापस से ट्राई, बस सिंपल है. अगर गाड़ी में झटके दे रही है गाड़ी तो बजाय परेशान हो रहा, झटके लग रहे हैं, झटके लग रहे हैं, भाई तेल खत्म हो गया, तेल भरने का टाइम आ गया, गाड़ी रुक गई है तो तेल भरो, जाओ तेल लेकर के आओ, भरो तेल लेने जाओ, लेकर आओ, बाकी नहीं गए थे.